लेकिन मोर खैनी देखिन तोय तोर सामान तोय जन जानबे मोय ना जानबो दिन सागर ईमान के खिया। ठीक है ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, मालूम है बोल बताओ नहीं तो शांत रह। अपन बेटा से पूछ। वो भी क्या दिन थे। दोस्त लोग खैनी रगड़ने देता था सर के, बकवास लेक्चर सुन सुन के कान पक जाता था और खैनी रगड़ते रगड़ते टाइम पास हो जाता था। वाह। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे खाऊंगा, पर नहीं। मुकेश भाई ने कहा है तंबाकू से कैंसर होता है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ एक साल भूख का चबाया है, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। ए, मत फेक, मत फेक, मत फेक। मेरा खैनी तेरे पास कहाँ से और कहाँ कर रहा था तुम? हैं, खैनी रगड़े का टाइम पास कर रहे थे। खैनी रगड़े को टाइम पास करता है? कौन सिखाया तुमको? कॉलेज में देखे थे दोस्त लोग को टाइम पास कर रहा था खैनी रगड़ के। कॉलेज टाइम पास के लिए जाता है कि पढ़ने के लिए जाता है रे? हाँ ठीक है बेटा, तुमको टाइम पास करवा रहे हैं, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा तब तक तुम मेरे लिए डेली खैनी रगड़ेगा, तेरा अच्छा टाइम पास करवाते हैं। A few moments later. बेटा काम में लग जाओ। सबों को जोहार, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि लॉकडाउन में आपका टाइम पास कैसे हो रहा है। और लास्ट में मुकेश भाई की कही बातों को याद रखिएगा कि तंबाकू से कैंसर होता है। धन्यवाद।